टेम्परेचर जो है वो मतलब एडियाबेटिक लैप्स रेट, कि अगर मतलब वो जाएगी ऊपर गैस तो ठंडी होगी है ना, लेकिन अगर ऊपर जाने पर यानी ठंडा महसूस होगा, ये तो नॉर्मल चीज़ है। नॉर्मल सिचुएशन क्या है कि नीचे हॉट एयर है, क्योंकि मैंने बताया टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ही हीट होता है, उससे ऊपर जाओगे कूल एयर होगा, उससे ऊपर कोल्ड एयर हो जाएगी यानी एकदम ठंडी हो जाएगी है ना, ये नॉर्मल सिचुएशन। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन जब होता है तो क्या होता है, नीचे कोल्ड एयर होगी, बीच में वार्म एयर होगी, फिर कोल्ड एयर होगी। तो अगर ऐसा उल्टा हो गया तो इसको टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है ना। ये क्यों होता है, क्या वजह होती है इसके होने की, तो टेम्परेचर इन्वर्जन। अच्छा आप लोगों को ऐसा कहाँ दिखता है टेम्परेचर इन्वर्जन एटमोसफेयर के अंदर, आगे क्यों बढ़ रहे हो ऐसे बताओ सोच के। हाँ सोच के बताओ, एटमोसफेयर में कहाँ देखने को मिलता है आपको टेम्परेचर इन्वर्जन। क्या कहाँ पे भी टेम्परेचर जहां पे नीचे ज्यादा कम हो और ऊपर ज्यादा हो, स्ट्रेटोस्फीयर में। यस जब आप जाते हो टेम्परेचर घटता है फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचने में भी दिखता है। क्या जमीन पे भी दिखता है कहीं पे, कुछ स्पेशल सिचुएशन में दिखता है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो इधर एक तो ट्रोपोस्फेयर में दिखता है, ट्रोपोपोज जब आप क्रॉस करते हैं तो देखते हैं आप स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है ना, तो क्या होता है टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाता है, ठीक है ना। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो कि एक इन्वर्स होने में है, जिसको टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। सेकंड एग्जाम्पल जो है जहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में तो सबको पता है, ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा जब कोल्ड, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है, मतलब ऐसा ये नहीं कि पूछेगा, ये पूछ भी चुका है एक बार, ठीक है ना, एक क्या दो बार पूछा हुआ है। एक कूल और विंटर नाइट है, क्या है, कूल और विंटर नाइट है, ठीक है। द एयर अबव द कोल्ड सरफेस गॉट कूल, जो अबव सरफेस में कूल हो जाएगा, बट द एयर, ठीक है, लेयर अबव द कूल इज स्टिल वार्मर, देन बाई गोइंग अपवर्ड यू डज नॉट गेट कूलर बट वार्मर। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। मुझे रिदा बताएगी कि क्यों ऐसा है, कूल विंटर नाइट में ऐसा क्यों है। ये लिखा हुआ था ना ये चीज जब मैंने पहले बार पढ़ा था, वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई रीड दिस, तो मेरे समझ ही नहीं आया, मेरे नहीं समझ में आया, मतलब आज की बात नहीं कह रहा हूँ, जब मैं पढ़ा मैं सोचा ये क्या कूल विंटर नाइट जो है उसमें क्या हो जाएगा, कूल विंटर नाइट से क्या फर्क पड़ रहा है ना, कूल विंटर नाइट है तो क्या उससे फर्क पड़ रहा है कि मतलब नीचे की लेयर ऐसा क्यों हो जाएगा, समझ रहे हो। तो फिर मैंने उस पर दिमाग लगाया और मैं समझ लिया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, मैंने फिर कहीं जाकर एक्सप्लेनेशन पढ़ा तो मुझे वही एग्जैक्टली जो मैंने दिमाग लगा के समझ लिया था वो चीज़ वहाँ लिखी थी। मैंने कहा यार बड़ा दिमाग है मेरे पास, फिर मैंने अपने आप को एक चॉकलेट खिलाई, सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियल में मैं खुश हुआ, मैंने ऐसे दिमाग लगाया ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसे अपने आप दिमाग लगा कि ऐसा हुआ होगा। और उसके बाद मैंने क्या हुआ कि मैंने उसको फिर बाद में कहीं जाके एक्सप्लेनेशन से सर्च किया, मिला, जब मैंने उसको पढ़ा एग्जैक्टली वही चीज़ जो मुझे समझ में आई थी, मैंने बहुत खुश हुआ अपने ऊपर, और मैंने सच में अपने आप को चॉकलेट की ट्रीट दी कि अपने आप को मतलब कुछ एप्रिसिएशन देने के लिए। ये बहुत पहले की बात है बट ऐसा हुआ है, कभी कभी मैं ऐसा करता हूँ, जैसे मेरा कुछ करने का मन करता है, जैसे मैं मुझे जब ज़्यादा पढ़ना होता था, मोटिवेशन करना होता था, तो मेरा मन बहुत करता था लो चाय पी लूँ तब पढ़ूँ, तो मैं पता क्या करता था, मैं अपने को चैलेंज देता था, अब ये चैप्टर पढ़ लूँगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो चाय पीऊँगा, नहीं तो नहीं पीऊँगा, अब मैं उसी चक्कर में जब इसको ख़त्म कर लूँगा तो पीऊँगा। तो जो चीज़ ज़्यादा मतलब परेशान करती है ना, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, मैं उसको छोड़ देता था कि पहले ये करूँगा तब करूँगा, तो मुझे वो मोटिवेट किए रहती थी, नहीं तो। तो ये मैंने अभी कैसे सीखा, क्योंकि मेरी पहले आदत ये थी कि पहले मैं चाय पीता था फिर पढ़ता था, तो मोटिवेशन ख़त्म, पढ़ने का चाय पी रहा हूँ है ना। मैंने क्या किया अपने आपको ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए, पढ़ने के लिए, कि ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तो जब मैं कंप्लीट कर लूँगा तब चाय पीऊँगा, ऐसी कोई और भी चीज़ कि मुझे ये करना है तो पहले मैं ये कंप्लीट कर लूँगा तब करूँगा, तो वो कंप्लीट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, यानी प्रायोरिटी मैंने पहले कर दी। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले इंटरटेनमेंट कर लूँगा, फिर जब इंटरटेनमेंट कर करके थक जाऊँगा फिर पढ़ूंगा, तो इतना थक जाता है कि पढ़ाई हो नहीं पाती। अब जब मैं पढ़ते पढ़ते थक जाता था तब मैं इंटरटेनमेंट की तरफ जाता कि अब थक गया हूँ अब नहीं होगा तो अब इंटरटेनमेंट कर लूँ, समझो ना। तो जो ये वाली चीज़ है इसको थोड़ा सा अवॉइड किया मैंने, जैसे दोस्तों से पहले घूमाऊँ दोस्तों के साथ उसके बाद पढ़ूँ, नहीं, आज मुझे दोस्त के साथ घूमने जाना है तो मुझे इतना काम कंप्लीट कर लेना है, ये अगर कंप्लीट हो गया तो घूमने जाऊँगा नहीं तो नहीं जाऊँगा। अब प्रेशर है ना, मैं ऐसे अपने आप को प्रेशर दिया है मैंने
ये फंडा मैंने अप्लाया था, इसी तरह मैं मेरे अंदर एक्सेलरेशन बहुत है, वो इनर्शिया बहुत है, जब मैं कोई काम करने लग जाता हूँ तो करने लग जाता हूँ, और नहीं करता हूँ तो नहीं करता हूँ, स्टार्ट ही नहीं करता हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। कोई भी चीज़ जैसे मैंने नहीं स्टार्ट किया ना तो मैं वो करूँगा ही नहीं, और अगर मैं पढ़ने लग गया, एक किताब मैंने उठा ली कि आज इसको पढ़ना है, तो वो ख़त्म करके ही दम लूँगा, लग जाऊँगा उसमें। मेरी आदत बड़ी ख़राब है ये, रात में मैं इसीलिए कई भी नई किताब नहीं उठाता था पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर मैंने रात में उठा ली तो अब मेरा मन है कि जब तक खत्म नहीं होगी तो मुझे चैन नहीं मिलेगा, तो मुझे रात में नींद नहीं आएगी, मैं पढ़ता रहूँगा पढ़ता रहूँगा पढ़ता रहूँगा। नया टॉपिक नहीं उठाता था रात में, मैं सिर्फ रिवीजन करता था, क्यों? क्योंकि मैं सो जाऊंगा, नहीं तो मेरा दिमाग लगा रहेगा अब इसमें और जान लूँ और समझ लूँ और कर लूँ, इसलिए नया टॉपिक मैं दिन में पढ़ता था, रात में हमेशा रिवीजन वगैरह पे ध्यान देता था नया टॉपिक, जबकि मुझे ज़्यादा अच्छा समझ में आता है रात में, लेकिन मैं फिर भी नहीं करता था। ये मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया ना, मुझे पता है, क्योंकि मैं जो चीज़ मुझे इंटरेस्ट आने लगता है फिर उसको ख़त्म करूँगा, तो ये चीज़ है। तो अब मतलब ये मैंने, अब तुम लोग भी सोच के बताओ, क्योंकि मैंने सोचा था तुम लोग भी सोचो, दिमाग तो तुम लोगों के पास भी है, अल्लाह ने दिया है, है। अब बात सुनो, तो ऐसा होता है कि ये हमेशा नहीं होता है, ये डेली की बात नहीं है कि टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा हो। होता क्या है, जब कूल विंटर, कूल एकदम ठंडी, बहुत ठंडी पड़ती है, विंटर नाइट होता है विद क्लियर स्काई, विद मैं लिखा नहीं है लेकिन ध्यान रखना, स्काई क्लियर, क्लाउडी नहीं होना चाहिए, बादल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बादल क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, ठीक है। अब सुनो, जब क्लियर स्काई है, यही तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं था कि क्लियर स्काई से क्या लेना देना है, कूल विंटर नाइट विद क्लियर स्काई अगर है, तो जब बहुत ज्यादा कूल होता है ना, तो जो लैंड होता है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, क्यों? क्योंकि रेडिएशन बहुत तेज होता है, रेडिएशन, और एकदम उसको रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए क्लाउड है, तो सब स्पेस में निकल गया रेडिएशन, टेरेस रेडिएशन बहुत तेजी से स्पेस में निकल गया, अगर क्लाउड होते तो रिफ्लेक्ट बैक कर देते, वार्म बना रहता, तो निकल गया, तो वो सतह जो है ग्राउंड वाली बहुत ठंडी हो गई, ठीक, उसके कांटेक्ट में जो भी एयर आई, जाहिर सी बात है वो ठंडी होगी, उसके कांटेक्ट वाली जो एयर है वो ठंडी होगी, उसके कंपैरिजन में जब ऊपर जाओगे तो ठंडी नहीं होगी, क्योंकि वो किसी कोल्ड लेयर के संपर्क में नहीं है, कोल्ड ग्राउंड के संपर्क में नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, ऐसे ठंडियों में आप देखते हो कि ओस जो होती है हमेशा गाड़ी के ऊपर या बेंच के ऊपर अगर लोहे का है तो क्यों होती है, ग्राउंड पे क्यों नहीं होती ओस, मतलब ग्राउंड पे ज्यादा लोस नहीं होती, कंडक्टर में क्यों होती है, क्योंकि वो ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है, सराउंडिंग से वो ज्यादा रेडिएशन निकालता है, जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा भी होता है, तो लोहा जो है वो कंडक्टर अच्छा है तो उसने पूरा रेडिएशन निकाल दिया, वो एज कंपेयर टू बाकी जो है उसमें अभी भी है, वो धीरे धीरे निकाल रहे हैं रेडिएशन, जो सोलर रेडिएशन था दिन का उसको धीरे धीरे रात में निकाल रहे हैं, तो ये जो है या पत्ते होते हैं उनसे जल्दी रेडिएशन हो गया, जब रेडिएशन जल्दी हो गया तो वो कोल्ड सरफेस कोल्ड हो गया, वो कोल्ड इतना हुआ कि वो कंडेंसेशन पॉइंट से भी कोल्ड हो गया, तो उसके संपर्क में जो भी एयर आई उसको उसने क्या कर दिया, कंडेंस कर दिया, ठंडा है तो कंडेंस मतलब कन्वर्ट कर दिया किसमें, लिक्विड में, वाटर में, तो वो ड्यू पॉइंट बन गया, ड्यू बन गया, क्योंकि ड्यू पॉइंट से जब नीचे गया टेम्परेचर तो उसके कॉन्टेक्ट में जो भी आएगा वो ड्यू बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ठंडा ठंडा फ्रीज से निकालते हो, तो उसमें पानी बाहर आ जाता है, बाहर आता है क्या, एक मिनट शांत रहिए, आप बताइए फिर क्या होता है, क्यों होता है ड्यू ड्यू, उसमें से जो अंदर से क्या निकलता है, अंदर से कुछ निकलता है, अंदर से कुछ निकलता है, कोल्ड ड्रिंक बाहर आ जाती है, कोल्ड ड्रिंक का पानी बाहर आ जाता है, नहीं सर, उसका वो टेम्परेचर डाउन, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने लगता है ना, उसका टेम्परेचर तो नॉर्मल आने लगता है, लेकिन वो ये पानी क्यों होता है, ऐसे तुम कोल्ड ठंडा बॉटल निकाल के रख दो, थोड़ी देर बाद देखो उसमें पानी, यहाँ पे पानी पानी दिखेगा, वो क्यों, कहाँ से कंडेंसेशन, पानी बाहर आ रहा है क्या बॉटल का, फिर यूपीएससी का इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये, इंटरव्यू में पूछा था, पता है, बताओ रीजन, पता है ना तुम्हें, पता नहीं है, सोचो, वो ठंडा बहुत है ना,
वो रूम टेम्परेचर क्या वो ड्यू पॉइंट से भी कम है उसका टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट से भी कम है ना टेम्परेचर, काफी ठंडा है, तो उसके कॉन्टेक्ट में जो एयर आती है उसका जो मॉइस्चर होता है, जो कॉन्टेक्ट में एयर आती है उसके, जैसे जो एयर इस पर टकरा रही होगी ना उसको वो कंडेंस कर देता है, क्या कर देता है, तो बाहर अंदर से कुछ नहीं निकल रहा है, वो ठंडा सरफेस उसको कंडेंस कर दे रहा है, ठीक है ना, ठंडी की वजह से। तो जब ऐसे ही रात में कोल्ड नाइट में जब वो एकदम ठंडा हो जाता है सरफेस, तो क्या होता है वहां पे उसके संपर्क में जो भी लेयर आएगी वो ठंडी हो जाएगी, कंडेंसेशन हो जाएगा, ठंडी हो जाएगी ऊपर की लेयर। तो इसीलिए कोल्ड लेयर, जमीन कोल्ड होती है, सरफेस कोल्ड होता है, उसके संपर्क में जो लेयर होती है वो कूलर एयर होती है, उससे ऊपर ऐसा कोई कोल्ड सरफेस है नहीं, तो इसलिए वो जो एयर होती है वो वार्मर रह जाती है, और ऐसा मतलब कि जब होता है कभी तो इसको क्या बोलते हैं इन्वर्जन। तो इसके लिए कंडीशन क्या चाहिए, लॉन्ग नाइट चाहिए, देर तक होता रहे रेडिएशन, देर तक होता रहे, एकदम ठंडा हो जाए सरफेस, ठीक है, लॉन्ग विंटर कूल, लॉन्ग विंटर नाइट विद क्लियर स्काई, ये कंडीशन है तब टेम्परेचर इन्वर्जन हो सकता है, क्लियर है, क्लियर, क्लियर स्काई का बस नहीं सोचा था, बाकी ये तो थोड़ा क्लियर स्काई नहीं होगा ना तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो दोबारा रिफ्लेक्ट बैक करेगा, वो ठंडा फिर गर्म कर देगा जमीन को, जमीन एब्जॉर्ब कर लेगी फिर हीट को, इसीलिए क्लाउड जो होता है, जब क्लाउड होता है ना तो इतना ठंडा नहीं होता है जितना क्लियर स्काई में ठंडा होता है, समझ रहे, क्लाउड अगर उधर रिफ्लेक्ट बैक कर रही है तो इधर भी तो रिफ्लेक्ट बैक करेगा, तो अगर सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक करा है 27% एल्बिडो है, तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को तो रिफ्लेक्ट बैक करेगा, ठीक है ना। थर्ड जो है टेम्परेचर इन्वर्जन का एग्जांपल है वैलीज, पहाड़ों पे ऊपर ठंडा होता है कूल होता है, ठीक है ना, और जो कूल एयर होती है वो तुम्हें पता है भारी होती है, तो उनको सहारा मिलता है पहाड़ों का, स्लाइड कर जाती है नीचे की तरफ, किधर, वैलीज में, तो वैलीज में नीचे आती है तो वार्म एयर को पुश कर देती है ऊपर, समझ रहे हो ना, तो जो टेम्परेचर वहां टॉप हिल पे है, ठीक है, टॉप हिल वही वैली में आ जाती है, ठीक है ना, वो डिसेंड कर जाती है कोल्ड एयर, तो वो जो होती है आके इतनी ठंडी ऊपर से आ जाती है डिसेंड करके, और ये उससे जो ऊपर का एटमोसफेयर है गर्म है, जो रेड रेड दिख रहा है, लेकिन वो वैली ठंडी हो गई है, तो वैलीज में अक्सर जो पहाड़ों की जो वैली होती है वहां पे ज्यादा ठंड पड़ती है एज कंपेयर टू अपर साइड में, जो टॉप पे ठंडी होती है ना वो ठंडी आ जाती है वैली में, ऐसा होता है, इसको भी टेम्परेचर इन्वर्जन, फिर यहाँ पे ठंडा है नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर ऊपर है टॉप पे तो वही 4 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे आ गया, और बीच में 8 और 10 दिख रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी वजह से क्या होगा, इतना ठंडा हो गया कि फ्रॉस्ट जम गया, सीधे वो ड्यू नहीं बना, सीधे बर्फ बन गया, इतना ठंडा, और अगर बर्फ बन गया तो क्या होगा, फ्रॉस्ट जो पौधों पे पेड़ों पे ड्यू जमती है, ड्यू के बजाय जब फ्रॉस्ट जम जाएगी तो उसको डैमेज कर देगी क्रॉप को, तो वैलीज में अक्सर जो क्रॉप डैमेज होती है उसकी वजह होती है फ्रॉस्ट का होना, फ्रॉस्ट क्या होती है, बर्फ जो पत्तों पे जम जाती है, अगर पानी जमता है तो उसको ड्यू बोलते हैं, और जब बर्फ जम जाती है तो क्योंकि टेम्परेचर इतना डाउन हो गया है कि वो क्या बन गया, बर्फ बन गई, क्लियर है, और वो क्रॉप को डैमेज करेगी, क्लियर, समझ में आए, यहाँ भी टेम्परेचर इन्वर्जन होता है वैलीज में पहाड़ों के बीच में, ठीक है ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है इसमें। अच्छा, उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ द फॉग, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या इंप्लीकेशन, फॉर्मेशन ऑफ द फॉग, वार्म एयर कोल्ड होती है बाय कोल्ड एयर ब्लो, कंडेंसेशन होता है, टिनी पार्टिकल वाटर ड्रॉपलेट मिलते हैं, पता चल गया, मैंने फॉग बताया था क्या होता है, कंडेंसेशन हो जाता है कोल्ड एयर के संपर्क में जब आती है, वार्म एयर जब कोल्ड एयर के संपर्क में आ जाती है ठंडी होती है तो कंडेंसेशन होता है, टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं जिससे विजिबिलिटी लो हो जाती है, इसको बोलते हैं फॉग। फ्रॉस्ट क्या होता है, वाटर जो है वो जब जम जाए, क्या हो जाए, फ्रोज हो जाए, कोल्ड सरफेस अगर उसको मिल जाए, ठीक है ना, कोल्ड सरफेस मिल जाए, जैसे पौधों का कोल्ड सरफेस की लीव्स मिल जाए, वहां पे मॉइस्चर जो है जम जाए, फ्रोज हो जाए, तो फ्रोजन हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रॉस्ट। उसके अलावा एटमोस्फेरिक, अगर एटमोस्फेरिक स्टेबिलिटी अगर है, वो क्या कहते हैं, प्रिवेंट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर, तो इससे क्या होगा, डिस्करेज होगा रेनफॉल, मैंने बताया था अगर स्टेबिलिटी की कंडीशन है तो अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं हो पाएगा एयर का, और इसकी वजह से क्लाउड नहीं बन पाएंगे, बारिश नहीं हो पाएगी। यूपीएससी का क्वेश्चन है 2013 का, देख लीजिए भैया, यूपीएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फिनोमेना ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन इन मेट्रोलॉजी, व्हाट डज द इफेक्ट वेदर एंड हैबिटेशन ऑफ द प्लेस, ठीक है ना,
habitats of the place. What does it affect weather and habitats of the place? Answer simple है. एक एक definition के दो number हो जाएंगे, बाकी एक एक number हो जाएंगे example के, ठीक है ना? तो आप बोलोगे कि temperature inversion is a phenomena, क्या बताओगे कि जहाँ पे क्या होता है, normal जो lapse rate है उसका inverse हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी ऊपर जाने पर temperature क्या होता है, घटने के बजाय बढ़ता है, ठीक है? तो इसको टेंपरेचर इन्वर्जन कहते हैं. ऐसा एक पहला एग्जांपल स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर से ऊपर जब जाओगे स्ट्रेटोस्फीयर में तब पहला एग्जांपल देखने को मिलेगा. दूसरा एग्जांपल कोल्ड विंटर नाइट में, लॉन्ग विंटर नाइट में ऐसा होता है, उसका फिनोमिना एक्सप्लेन करोगे. फिर उसके बाद में आप फिनोमिना यानी वो बता दिया, और तीसरा एग्जाम्पल आप दोगे किसका, वैलीज का एग्जाम्पल दोगे. और उसके अलावा तो मतलब ये हो गया आपका क्या नाम है, अगर एक नंबर डेफिनेशन के हो गए तो तीन नंबर इसके हो गए, ठीक है ना, एक एक नंबर हो गए. अब चार नंबर हो गए, और पांचवा नंबर होगा कि वेदर पे क्या इफेक्ट होता है लोगों को. तो ठंडा हो जाएगा, कोल्ड विंटर नाइट होगी, जो हैबिटेंट्स होंगे उनको क्या नाम है, जैसे वैली वगैरह के हैबिटेंट्स हैं तो उनको क्या होगा, एकदम ठंडा महसूस होगा, ठंड होगा. फ्रॉस्ट की वजह की वजह से वो जो क्या होगा, पूरा जम जाएगा, कारोबार पे भी जम जाएगा और क्रॉप वगैरह नाश हो जाएगी, ठीक है, क्रॉप्स वगैरह तबाह हो जाएगी. तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो और टेम्परेचर इन्वर्जन का आंसर लिख सकते हो. 2013 में मेंस में आया हुआ, ठीक है, आंसर बता दिया, लिख लोगे. पांच नंबर का है, ज्यादा नंबर का नहीं आया, तो पांच नंबर तो आसानी से मिल जाएंगे. वैसे दस नंबर का भी यह क्वेश्चन आ